ओम शांति। आज की तारीख है 5/9/2023। आज बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे सत का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सदगति होती है, आत्मा पावन बनती है, बाकी सब है कुसंग। इसीलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। एक सत का संग सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा का संग है जिससे आत्मा पावन बनती है, बाकी देहधारियों का संग है कुसंग। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उत्तर, शिव बाबा का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। हम आत्माओं के घर शांति धाम परम धाम, हम सब आत्माओं को पतित से पावन बनाकर ले जाना, ये बाबा का कर्तव्य है। शिव बाबा आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने अर्थात मौत देने। ये काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती हैं। जब द्वापर से धीरे धीरे आत्माएं नीचे उतरती हैं तो बाबा कहते हैं उस समय पावन जो धर्म स्थापक जो अन्य अन्य धर्म के स्थापना करते हैं उनके पीछे पीछे वो आत्माएं उतरती हैं और अपना अपना पाठ बजाए पावन से पतित बनती हैं। गीत है आज की मुरली से, जाग सजनिया जाग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, दैवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटाना है, सच खंड में चलने के लिए सच्चे बाबा से सच्चा रहना है। दूसरी पॉइंट, एक सत बाबा के संग का संग करना है, एक शिव बाबा के संग के रंग में रहना है, एक बाबा का संग करना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का बरसा लेना है। वरदान है आज की मुरली से, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना यह अपनी बुद्धि पर है, जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल बन गए, मानो नॉलेजफुल बन गए, ज्ञान के सागर, मास्टर ज्ञान के सागर बन गए। तो नॉलेजफुल कभी भी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जब कहते हैं आपस में हमारी बनती नहीं, तो बाबा कहते हैं आप तो मास्टर ज्ञान के सागर बन गए, तो किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर खा नहीं सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ गड्ढा है या पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं। क्या करेगा, सामने गड्ढा होगा पहाड़ होगा तो किनारा कर लेगा। ऐसे ही आप भी किनारा करो अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। स्लोगन है आज की मुरली से, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। उड़ती कला का अनुभव करना है तो अपने भाग्य और भाग्य विधाता परमात्मा शिव बाबा की श्रेष्ठ स्मृति में रहो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ। एक मिनट के लिए उस ज्ञान के सागर परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। आज हम अपने परम शिक्षक परमात्मा शिव बाबा जो कि ज्ञान के सागर हैं, उनका आह्वान करते हैं। हे मेरे मीठे ज्ञान के सागर परमात्मा, हे मेरे परम शिक्षक, मेरे पास आओ मेरे मीठे बाबा। परम धाम से परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में समा कर धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाते मेरे सामने। परम शिक्षक परमात्मा शिव बाबा को शिक्षक दिवस की बधाइयाँ देते हुए मैं आत्मा, मेरे मीठे बाबा आपने मुझ आत्मा को ज्ञान गुणों से भरपूर कर दिया, ज्ञान स्वरूप बना दिया। मेरी सभी बुराइयाँ मेरे सभी दुर्गुण हर कर आपने मुझे ज्ञान स्वरूप बना दिया, मास्टर ज्ञान का सागर बना दिया।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगाते, मेरे सिर पर हाथ रखकर अनेकानेक वरदानों से मुझे भरपूर करते, शक्तियों से भरपूर कर देते। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मीठे बाबा। शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जाता, अनेक वरदानों से मैं आत्मा भरपूर हो गई। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ मेरे परम शिक्षक, बहुत बहुत बधाइयाँ मेरे परम शिक्षक।